I'm gonna share some important tips in order to get a desired band score. These tips are also related to your real life. So please make sure to watch this video till the end. In order to get knowledge about these steps, when I used to play kickboxing tournaments, that time I faced a lot of issues regarding my discipline. My discipline is weak. Right? I used to try different sorts of junk foods like spring rolls and momos. But हाँ एक particular time पर आके वो सारा कुछ मेरा जो है skip हो गया And this was my picture in 2000, I think 16, and I played state championship that time. आज के time पर कई बार क्या होता है कि आप self confidence lose कर जाते हो self doubt बढ़ जाता है तो इस चीज़ को avoid करने के लिए मैं एक और एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका सारा का सारा जो सिस्टम है वो ट्रैक पे आ जाएगा एंड यू विल रियली फील मोटिवेटेड एंड यू विल बी इन द वाइब योर वाइब्रेशंस विल बी हाई योर आवरा विल बी अमेजिंग और उस टाइम पे क्या दिक्कत थी वेन आई यूज टू वेक अप ठीक है मैं अराउंड एट या नाइन ए एम उठता था अपना कॉलेज जाता था कॉलेज के बाद मैं जाता था सीधा ग्राउंड या फिर जिम जहाँ पे एक बॉक्सिंग का जो भी प्रैक्टिस एंड ऑल होती थी राइट और दोपहर में जैसे कॉलेज में कई बार कुछ समोसा खा लिया या मोमो खा लिए हमारे कॉलेज में एक मैगी की स्टॉल बहुत ज़्यादा फेमस थी तड़के वाली मैगी ओके तो ये चीज़ें मैं बहुत उस टाइम पे खाता था तो एक चीज़ मैंने ऐसी करी जिससे मेरा सारा का सारा स्केड्यूल चेंज हो गया और मेरा वेट जो था 80 के से इट वॉज़ 56 सिक्स के जी इट वॉज द लीस्ट आई कुड हैव अचीव्ड बहुत बहुत कम वेट मैंने करा था क्योंकि मुझे ये था कि मैं उस कैटेगरी में खेलूं एंड आई अचीव दैट अब आप भी अपना ड्रीम अचीव कर सकते हो एक ही चीज़ मैंने ऐड करी थी उसमें एंड दैट इज़ डिसिप्लिन रुको कुछ खास नहीं करना सिर्फ एक ही चीज़ करनी है जो मेरा वर्कआउट इवनिंग का था वो मैंने मॉर्निंग को कर दिया था अब जैसे मैं मॉर्निंग उठा मैं गया वर्कआउट मैंने लगाए चार पांच राउंड एक्सरसाइजेज करी और वापस आ जाता था घर पे अब जब मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैंने मेरा मेन इंपॉर्टेंट काम जो वर्कआउट है वो कर लिया अब सारे दिन में, में मेरा काम ये है कि इस वर्कआउट को वेस्ट ना होने दूँ अगर मैंने एक चाय भी पी ली ना तो ये सारा का सारा का वर्कआउट वेस्ट हो जाएगा और सेम चीज हुई पूरा एक साल मैंने कोई चाय नहीं पी नथिंग आप ऐसे लगा लो चाय का मैं बहुत ज्यादा शौकीन हूँ अभी भी मेरे पास चाय पड़ गया है बट स्टिल दैट टाइम आई मैनेज टू अवॉइड दैट अब आपको एक पर्टिकुलर स्केड्यूल लेना मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ और सिर्फ ये स्केड्यूल फॉलो करो और मेरे अकॉर्डिंग चलोगे ना तो मैं आपको यह बोलता हूँ कि बढ़िया प्रेपरेशन करके बढ़िया स्कोर आ जाएंगे सबसे पहले एक नॉर्मल रीडिंग जो आप इंस्टीट्यूट में करते हो या ऑनलाइन क्लास में कर रहे हो एक एक्स्ट्रा रीडिंग करो डेली के डेली ठीक है वो आप इवनिंग कर लो या वो आप अर्ली मॉर्निंग कर लो बिफोर गोइंग तो टू इंस्टीट्यूशन विच इज इंपॉर्टेंट मैं इसका आपको बताता हूं क्या बेनिफिट है एक कर लो न्यूज डेढ़ घंटा डेली रीड करो द ट्रिब्यून इफ यू रियली वॉन्ट टू गेट यू डिजायर स्कोर इन नम चाहे न्यूज अर्ली मॉर्निंग कर लो चाहे आप एक्स्ट्रा रीडिंग अर्ली मॉर्निंग कर लो अर्ली मॉर्निंग का मेरे कहने का मतलब है छह बजे भी आप कर लोगे ना तो दिक्कत नहीं है क्योंकि सुबह सुबह अगर मन मार के एक पर्टिकुलर टास्क आपने कर लिया ना सिर्फ और सिर्फ एक टास्क निपटा दो आप रीडिंग का चाहे वो न्यूज है चाहे फिर वो आपका एक्स्ट्रा रीडिंग है ठीक है उसके बाद आपका सारा का सारा दिन जो है वो फ्लो में चलेगा इट दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी राइट इट वर्क एवरी सिंगल टाइम इफ यू रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन योर डिसिप्लिन राइट यू नीड टू वर्क ऑन दिस स्टार्ट विद योर टास्क एक टास्क डेली करोगे ना तो ऑटोमेटिकली बाकी के टास्क जो है वो फ्लो में होते जाएंगे एक गाड़ी खड़ी है वो गाड़ी को जब आप पुश करोगे सपोज करो स्टार्टिंग में थोड़ा एफर्ट लगता है उसके बाद तो फ्लो में चलती जाती है सेम थिंग हैपन्स हीज ट्राई टू एक्सप्लेन विद एक्साम्पल्स माई मेन मोटिवेज ताकि आप अच्छे से समझ सको एंड इस चीज को इंप्लीमेंट कर सको ये सिर्फ और सिर्फ मैंने रीडिंग का स्केजल बताया राइटिंग का टास्क वन टास्क टू डेली लिखो डेली चेक करवाओ अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो करवा सकते हो ऑफलाइन कर रहे हो तो भी करवाओ इट इज इट इज इट इज इंपॉर्टेंट प्लीज लिसन टू दिस स्पीकिंग डबल कर लो मॉर्निंग इवनिंग कहीं पर भी, भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो चाहे आप क्लासेस ले रहे हो चाहे आप घर पर कर रहे हो चाहे कैसे भी है स्पीकिंग डबल कर दो और ट्राई करो किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास करो जिसका स्कोर वगैरह बढ़िया आया हुआ है पहले जिसके पास एक्सपीरियंस है अब इस स्केड्यूल को आप अपने हिसाब से फिट करो एक चीज सुबह कर दो बाकी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा यू डोंट नीट टू वरी एंड इफ यू आर फॉलोइंग दिस स्कड्यूल फॉर अ मंथ you will end up getting your desired score at the end of the month right it is a proven method so believe me i'm not the one who started his youtube channel yesterday i am teaching since 2017 right and i started my youtube channel in 2018 and i am into one thing that is spreading the real knowledge right it's practice and it's practice all the best